हेलो बच्चों, एसएस कंपटीशन सिरसागंज में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित मैं हूं जेके सर, एसएस कंपटीशन के साथ। बच्चों, आज का नया सेशन चालू करने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो किसी कारणवश स्वास्थ्य सही न होने के कारण थोड़ी लेट हो गई, लेकिन पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश से क्रिकेट की शुरुआत की गई या शुरुआत हुई? तो बेटे, किस देश से क्रिकेट की शुरुआत हुई? ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है, भारत फर्स्ट, सेकंड अमेरिका, थर्ड फ्रांस या फोर्थ इंग्लैंड। तो बताइए इसका बेटे आंसर कमेंट बॉक्स में। यदि आप जानते हैं इसका आंसर तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई है, ठीक है बेटे। और इंग्लैंड ने अपना पहला विश्व कप कब 1975 में जीता था। कब जीता था? 1975 में हुआ था, ठीक बेटे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन पे बेटा आप ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए बेटे, हिम्मत ना हारें, हिम्मत बनाए रखें, आप लगे रहें। चलिए बेटे, क्रिकेट से संबंधित सबसे बड़ा खिताब कौन सा है? क्रिकेट से संबंधित सबसे बड़ा किताब कौन सा है, ठीक है? तो आपके सामने बेटा क्वेश्चन है वर्ल्ड कप, सेकंड आपका है बेटे आईसीसी अवार्ड, थर्ड है आपका उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बेटे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से बेटे बताइए क्या है इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है आपका पूरा इन दोनों को मिला के, यानी कि आईसीसी विश्व कप, इसे हम वर्ल्ड कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड कप, ठीक है। आईसीसी को मिलाकर और विश्व कप को मिलाकर तब बनता है पूरा आईसीसी विश्व कप, यानी कि हमारा इसमें ए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों को मिला दिया जाए तो उत्तर बनता है आईसीसी विश्व कप, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है बेटे, उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही माना जाएगा हमारा। चलते हैं बेटे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो बेटे खिताब होता है कौन सी टीम विजेता हुई 2023 आईपीएल, टाटा आईपीएल 2023 में कौन सी टीम ने इस खिताब को जीता, आईपीएल खिताब को? तो बेटे ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट चेन्नई सुपर किंग, सेकंड है गुजरात टाइटंस, थर्ड है आपकी राजस्थान रॉयल्स और बेटे फोर्थ है पंजाब किंग्स। तो बताइए वैसे बेटे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर बेटे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं किस किस बच्चे ने आंसर सही दिया, बिल्कुल बताइए बेटे जल्दी। तो बेटे इसका सही आंसर है CSK, चेन्नई सुपर किंग, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं CSK, ठीक है। और ये खिताब जीतने वाली टीम के कप्तान हैं, कैप्टन कौन है? MSD महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है। इन्हीं की कप्तानी में 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग जीती, ठीक है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक प्यारे बच्चों, समय जाया ना करते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है बेटे, स्क्रीन पर उपस्थित है। तो टाटा आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसने जीता? बेटे ऑरेंज कैप ऑप्शन आपके सामने है, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, मोहम्मद शमी या सुमन गिल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं बेटे,
यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। ठीक बेटे, चलते हैं। तो बच्चों, ऑरेंज कैप, आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता? बल्लेबाज को। ठीक है, किसके किसके लिए होता? बल्लेबाज के लिए। तो बल्लेबाज को खिताब दिया जाता है और किसका? ऑरेंज कैप का। ठीक, और 2023 में ऑरेंज कैप विजेता, 2023 ऑरेंज कैप विजेता शुभमन गिल रहे हैं। कौन रहे हैं? शुभमन गिल, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अपने बैट से। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इन्होंने अपने बैट से, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को यानी कि बल्लेबाज को ये खिताब दिया जाता है, जिसे ऑरेंज कैप का नाम दिया गया है। और ये आईपीएल में मिलता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको स्पॉन्सर किया था किसने? टाटा ने, टाटा आईपीएल। ठीक है, तो बेटे ये किसे मिला है? शुभमन गिल को। थर्ड ऑप्शन आपका सही है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बेटे उपस्थित है। आईपीएल 2023 की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी या कौन थी? कौन सी थी या कौन थी स्पॉन्सर? ठीक है बेटे, तो बेटे इसमें ऑप्शन है आपका, फर्स्ट वीवो, सेकंड टाटा, थर्ड जियो, फोर्थ आपकी क्या? एप्पल। अभी अभी मैंने बेटा आपको बताया था इसकी स्पॉन्सर कंपनी है क्या? टाटा। इसका नाम ही था क्या? टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल। ठीक है, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है बेटे, तो इसका इसको स्पॉन्सर कर रही थी वो कंपनी क्या थी? टाटा थी। ठीक है, टी ए टाटा, जिसका हम नमक भी खाते हैं। ठीक बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है बेटे। क्या है? टाटा आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसने जीता बेटे? 2023 टाटा आईपीएल में पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? क्या मोहम्मद शमी थे, क्या रोहित शर्मा थे, या विराट कोहली थे, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों आपको इसका भी थोड़ा इतिहास बता दें, ये पर्पल कैप आईपीएल इतिहास में गेंदबाज को दिया जाता है, और गेंदबाज। ठीक है बेटे, तो इसमें जो आईपीएल का खिताब मिला है वो आईपीएल पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है, और मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे अपनी बॉल से। क्या लिए थे? विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट 2023 आईपीएल टाटा आईपीएल में मोहम्मद शमी ने लिए थे, इसलिए उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया था। ठीक बेटे, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। चलिए बेटे चलते हैं। तो बेटे किसे मिला था? मोहम्मद शमी को मिला था बेटे। थोड़ी ठीक बेटे, अब चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। तो बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका, आईपीएल 2023 में विजेता टीम को कितनी राशि मिली 2023 में? बेटा 2023 में विजेता टीम को कितनी राशि मिली? तो ऑप्शन में आपके सामने उपस्थित हैं, फर्स्ट 20 करोड़, सेकंड 18 करोड़, थर्ड 20 लाख, फोर्थ कितना? 1 करोड़। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए बेटे कौन सा आंसर सही है। तो बेटे इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इसका बेटे आंसर निकल के आया है, सही आंसर क्या है? 20 करोड़। 20 करोड़ 2023 में विजेता टीम को धनराशि दी गई। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल में फेयरवेल प्ले का खिताब किस टीम ने को मिला या किस टीम ने जीता? फेयर प्ले का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स,
दिल्ली कैपिटल्स या चेन्नई सुपर किंग? तो बेटे इसका सही आंसर है क्या है, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के फेयर प्ले पॉइंट सबसे अधिक थे इन सभी टीमों में, इसलिए ये खिताब का हकदार कौन हुआ? दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। तो इस खिताब को, फेयर प्ले का खिताब किसे मिला है? दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। लेकिन 2023 में विजेता टीम आप जानते हैं CSK है, ठीक है, और DC को क्या मिला है? फेयर प्ले का खिताब, ठीक है बेटे। और बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार IPL की ट्रॉफी जीती? किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार IPL की ट्रॉफी जीती? फर्स्ट चेन्नई सुपर किंग, सेकंड मुंबई इंडियंस, थर्ड उपयुक्त दोनों या फोर्थ गुजरात टाइटंस? जल्दी से बेटा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए कमेंट बॉक्स में बेटे। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका, पहले तो मैं आपको बता दूं एक बार कि IPL का खिताब 5 बार, ठीक है बेटे, किसने जीता है? चेन्नई ने, और 5 ही बार मुंबई इंडियंस ने जीता है, और गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट बार जीता है 1 बार, ठीक है बेटे। तो सबसे ज़्यादा जीतने वाली 2 ही टीमें मुंबई इंडियंस यानी कि CSK और MI मुंबई इंडियंस, इन दोनों ने 5-5 बार IPL की ट्रॉफी जीती है, इसलिए दोनों ने बराबर जीती है और सबसे ज़्यादा बार जीती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, ठीक है, यानी कि दोनों टीमों को एक साथ लेके चलेंगे तो इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा, ये वाला हमारा आंसर सही है, राइट है, ठीक है, राइट कर दिया मैंने देखो बेटे, ठीक सही है, क्या है? उपयुक्त दोनों, चेन्नई और मुंबई दोनों ने जीता है, ठीक है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बेटे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 31 मार्च 2023 को टाटा IPL किन 2 टीम के बीच खेला गया था? बताइए बेटे, ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है, ठीक है, क्या है? फिर पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन बेटे, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, ठीक। 31 मार्च 2023 को टाटा IPL किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग, या चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस, या फिर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, या फिर दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स? तो बेटे जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो बेटे इसका सही आंसर है, जल्दी से बेटे इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है क्या? चेन्नई सुपर किंग, सेकंड ऑप्शन सही है, चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस, जिसे हम कह सकते हैं CSK और GT, ठीक है, CSK और GT के बीच में हुआ था क्या 31 मार्च 2023 को टाटा IPL, ठीक है, इन 2 टीमों के बीच खेला गया था, ठीक, चेन्नई सुपर किंग, CSK और गुजरात टाइटंस यानी कि GT। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है IPL 2023, बच्चों अच्छी तरह देखें क्वेश्चन को, समझें, इसमें पूरा IPL का पूरा शेड्यूल खोल के दिखा दिया आपको, पूरा क्या क्या इसमें हुआ था घटना। तो IPL 2023 में सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 50 से बोलते हैं 50 हमारा, ठीक है, बनाने वाले खिलाड़ी हैं, ऑप्शन फर्स्ट यशस्वी जायसवाल, सेकंड सूर्य कुमार यादव, थर्ड केन विलियमसन, या फोर्थ रिचर्ड इंग्लिश वर्थ, ठीक है बेटे। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है 2023 में, ठीक है, 2023 में सबसे तेज 50 लगाने वाले प्लेयर रहेंगे यशस्वी जायसवाल, इन्होंने मात्र 13 गेंदों में कितने रन बना डाले? 50, अर्धशतक अपना बना डाला है, आधा शतक, शतक का आधा भाग, अर्धशतक, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? KL राहुल, ठीक है, ठीक, इनका रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है, इन्होंने सबसे तेज शतक लगाया था यशस्वी जायसवाल ने, कितनी बॉल में? 13 गेंदों में, कितनी गेंदों बेटा? 13 गेंदों में अपना 50 पूरा किया था, 50 पूरी की थी उन्होंने, ठीक है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, तो इसके बाद सही आंसर आपको पता लग गया क्या है? फर्स्ट यशस्वी जायसवाल, ठीक है। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टाटा आईपीएल में किस खिलाड़ी को, टाटा आईपीएल में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब मिला, यानी कि एक ट्रॉफी होती है मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, सबसे चुनिंदा खिलाड़ी किसे चुना गया, मोस्ट वैल्यूएबल सबसे ज़्यादा, मोस्ट होता बहुत ज़्यादा, वैल्यूएबल उसका महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, खिलाड़ी किसे चुना गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका हार्दिक पांड्या, सेकेंड है जॉस बटलर, थर्ड है राशिद खान, फोर्थ है सुमन गिल। तो बेटे इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट सही आंसर बेटे सुमन गिल, क्योंकि सुमन गिल ने, ठीक है बेटे, सुमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन लगभग 158 की स्ट्राइक रेट से, एसआर से, कितने रन बनाए बेटे 890 रन बनाए थे, कितने बनाए थे बेटे 890 रन। उसके बाद इन्होंने वो 890 रन कितनी पारियों बनाए थे, 17 पारियों में, कितनी बेटे 17 पारियों में, 17 पारी थी, 890 रन थे और स्ट्राइक रेट थी 158 की लगभग, ठीक है बेटे, इतनी चीज़ों से इन्होंने ये रन बनाए थे, इसलिए इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिल से नवाजा गया था। और इन्हीं ने इसी में इन्होंने 4 शतक भी लगाए थे, क्या लगाए थे बेटे 4 शतक, ठीक है, आईपीएल में, इसी आईपीएल 2023 में इन्होंने 4 शतक भी लगाए थे, इसलिए इन्हें इस खिताब से नवाजा गया था, इतना काम किया है तो क्यों नहीं नवाजा जाएगा बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आएगा 13वां क्वेश्चन, ठीक, 13, टाटा आईपीएल 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो बेटे इसमें आयोजन फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा 1 मई से 28 मई तक, या 31 मार्च से 29 मई तक, या फिर 11 मार्च से 25 मई तक, या फिर बेटे 23 अप्रैल से 28 मई तक। तो बच्चों इसका सही आंसर है क्या, 31 मार्च से 29 मई तक। प्यारे बच्चों इसमें वैसे तो लास्ट सेकंड क्वालिफायर, यानी कि लास्ट क्वालिफायर, ठीक है, कब खेला गया था 28 मई को, ठीक है, और पहला मैच खेला गया था 31 मार्च को, ठीक, और लास्ट सेकंड क्वालिफायर ऐसे बोलते हैं, लास्ट मैच फाइनल से पहले का 28 मई को खेला गया था, लेकिन जो फाइनल खेला गया था, फाइनल, ठीक है बेटे, फाइनल खेला गया था, तो फाइनल खेला गया था 29 मई को, ठीक है बेटे, और फाइनल खेला गया था दो टीमों से खेला गया था, किससे खेला गया था, जिनसे शुरुआत हुई थी, जिन टीमों से शुरुआत हुई थी इस मैच की, 31 मार्च को एक इसमें इतिहास बनना है, जिन दो टीमों ने CSK और GT ने, जिन दो टीमों ने, यानी कि CSK और GT ने, इन दोनों टीमों ने 31 मार्च से शुरुआत की थी मैच खेलने की, पहला मैच भी इन्हीं ने खेला था और फाइनल भी इन्हीं ने खेला था, चेन्नई सुपर किंग, CSK और GT, इन दोनों टीमों ने शुरुआत का, यानी कि IPL 2023 का आगाज भी इन्हीं ने किया था, शुरुआत पहला मैच भी इन्हीं ने खेला था और अंतिम मैच भी इन्हीं ने खेला था, ठीक है बेटे, ये भी इतिहास है इसमें IPL में। और इसमें आप जानते हैं विजेता टीम हुई थी CSK, विजेता हुई थी बेटे इसमें, ठीक बेटे, और उप विजेता हुई थी कौन, उप विजेता रनर जिसे बोलते हैं हम, उप विजेता वो कौन हुई थी, गुजरात टाइटंस, ठीक है बेटे। तो इसमें आपको मालूम पड़ गया है, ये करेक्ट हो गया है कि 31 मार्च से 29 मई तक ये मैच का आयोजन किया गया था और 29 मई को फाइनल खेला गया था, ठीक है, फाइनल खेला गया था इसका। चलते बेटे इसका सही आंसर है क्या, 31 मार्च से 29 मई तक। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन बेटे। तो प्यारे बच्चों बात आती है इसमें, क्वेश्चन है 14 और आज का बेटे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ, जरा गौर से देखे क्या कह रहा है, IPL 2023 में कुल छक्कों की संख्या पूछ रहा है बेटे। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट 1124, सेकंड 1000, थर्ड 2455, फोर्थ 3852। तो बेटे IPL 2023 में जो कुल छक्कों की संख्या बेटे
वो कितनी है 1124, कितनी बेटे 1124, 1124, 1 और 1 2, 2 2 जा 4, 1 और 1 2, 2 2 जा 4, 1124, इतने छक्के लगे थे यानी कि 6, इतने 6 मारे गए थे। ठीक है, बल्ले के द्वारा गेंद और बल्ले की मिश्रण से छक्का लगा था। ठीक है, कितने बार, 1124 बार। ठीक बेटे, चलिए बेटे चलते हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम प्रश्न पर। तो बेटे आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। यदि वीडियो वाकई अच्छी लग रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को वायरल कर दें, वीडियो को भी वायरल कर दें बेटा। चलते हैं, IPL 2023 में कुल चौकों की संख्या है, कितने चौके लगे थे बेटे? ऑप्शन फर्स्ट है 2525, सेकेंड है 2124, थर्ड है 1245 और फोर्थ है 2174। तो बेटे इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपके सामने निकल के आ रहा है बेटे। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है 2174, 2174। तो बेटे ये आप एक चार्ट ध्यान रखें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, 2023 में छक्के कितने लगे बेटे? अभी बताया था आपको 1124। ठीक है बेटे, चौके कितने लगे बेटे? ध्यान रखना चौके 2174। ठीक है बेटे, शतक कितने लगे? शतक, ठीक है, शतक पूछ लेता, शतक कितने लगे? ठीक बेटे, शतक कितने लगे? शतक बारह शतक लगे। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए? शुभमन गिल ने। किसने लगाए? शुभमन गिल, शुभमन गिल ने कितने लगाए? 4। ठीक है, शतक। तो बेटे ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और पढ़ाई जारी रखें, सुचारू रूप से चलती रहे आपकी पढ़ाई। तब तक के लिए बेटे चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्रतियोगिता की तैयारी करते रहें और आप इसमें परचम गाड़ें, बस यही कामना है। तब तक के लिए बेटे जय हिंद, चलते हैं।